अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आया है और तुम मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना कि ये वीडियो तुम तक पहुंचा दिया गया है, और अपने इष्ट का नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करना। मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे सबकी लाइफ में ना कुछ मुसीबतें, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती हैं, और इसका ना कभी अंत होता नहीं दिखता है। हमको समझ में नहीं आता कि कब अंत होंगी। एक परेशानी आएगी, उसका दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी सॉल्व होगी तो तीसरी खड़ी हो जाएगी। ये जो क्रम है ना, ये टूटता नहीं है। एक बार ऐसा ही एक व्यक्ति एक संत के पास गया, एक महात्मा के पास गया, और उसकी लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी। संत के पैरों में गिर के गिड़गिड़ाने लगा, और उसने संत से कहा कि हे संत जी, मेरी परेशानियों का अंत कर दो, अब जो कहोगे मैं कहूँगा। संत गांव में रहते थे और उनके पास बहुत सारी बकरियाँ थीं। उन्होंने संत ने कहा, ठीक है, थोड़ी देर पहले तुम शांत बैठो। वो व्यक्ति शांत बैठा, लेकिन मन में तो परेशानियाँ चल रही थीं, मन में तो उलझनें चल रही थीं। तो संत ने कहा, ठीक है, तुम्हारी परेशानियों का हल कल तुम्हें दे दूंगा, सारी परेशानियों का हल तुम्हें दूंगा, बस मुझे एक दूसरे शहर जाना है, वहाँ से कुछ काम है, काम करके मैं वापस आता हूँ, तुम यहीं मेरे आश्रम में रुको, और ये जो बेड़ा है जहाँ पर मेरी बकरियाँ हैं चरती हैं, बस उनका ध्यान रखना, रात में जब वो सब सो जाएं तो तुम भी सो जाना, और सुबह तक मैं आ जाऊँगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का हल सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। उसने कहा, अगर संत कह रहे हैं तो पक्का ऐसा हो जाएगा। उसके बाद वो व्यक्ति दिन भर तो बैठा रहा, शाम को देखा कि कुछ बकरियां तो बहुत अच्छी थी, अपने आप स्वतः सो गई, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ बकरियां ऐसी थी कि जो उछल कूद कर रही थी, सोने का नाम ही नहीं लेने थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी, वो उन्हें पकड़ने में लगा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे सोएंगी। कुछ बकरियां ऐसी थी कि कुछ थोड़ा सा प्रयास किया, उसके बाद वो सो गई। लेकिन कुल मिलाकर जो रात का समय था वो बड़ा हौज पौज रहा, मतलब वो सो ही नहीं पाया, क्योंकि भाई जब तक सब बकरियां नहीं सो जाएंगी तब तक कैसे नींद आएगी, कोई भाग जाए, कोई कुछ हो जाए। तो बेचारा ऊप ऊ में पड़ा रहा। किसी तरीके से रात कटी, सुबह सुबह संत आ गए, और संत ने कहा कि क्या हुआ, सारी बकरियां सो गईं, तुम सोए आराम से? उसने कहा, अरे प्रभु, कहाँ फंसा दिया आपने, ये इतनी बदमाश थी कि मैं पूरी रात जागता रहा और ये नहीं सोई। संत ने कहा, मैंने तुम्हें रात में जानबूझ के यहाँ रोका था, ये जो बकरियां हैं ना, यही तुम्हारी परेशानियां हैं, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे बहुत अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु हो, सबके साथ ये परेशानियां रहती हैं। तुम्हारी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी, कुछ परेशानियां ऐसी होंगी जो तुम थोड़ा प्रयत्न करोगे तो उनका हल निकल आएगा। कुछ परेशानियां टाइम बाउंड होती हैं कि जब थोड़ा समय बीत जाएगा, लंबा समय बीत जाएगा, वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं उन चंचल बकरियों की तरह कि वो कभी सॉल्व ही नहीं होंगी, वो तुमको हमेशा परेशान करती रहेंगी, और अगर तुम उन पर फोकस करते रहे या तुम उन पर फोकस बनाते रहे तो ना तुम इस जीवन को जी पाओगे, ना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप पूरा जीवन उसे सॉल्व करने में लगा दो, परेशान रहो, डिप्रेस्ड रहो, इरिटेट रहो, चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, या उसमें से जो परेशानी ठीक होती है आप उसमें उस पर फोकस करो, और जो नहीं ठीक होती उन्हें इग्नोर करके, अवॉइड करके आगे बढ़ो, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे धीरे 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 उनका जो प्रकोप है वो कम होता जाएगा। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं,
और इन दोनों ऑप्शंस में आप जो चूज़ करोगे वो बन जाओगे। तो ये कहानी हमारी बहुत सारी परेशानियों मुसीबतों का सलूशन देती है। जब भी बहुत मुसीबत आए तो उस वीडियो को सुनना, इस कहानी को स्मरण करना, अपने इष्ट को याद रखना, अपने माता पिता को याद करना, आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।